आई एम बॉस एंड यू विल डू व्हाट आई से। मैं बॉस हूँ और आपको वही करना पड़ेगा जो मैं आपसे करने के लिए कहूँगा। मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूँ, आपका हकीकत से सामना करवा रहा हूँ। नमस्कार, वेलकम, वनकम, मैं अंकुश गुप्ता, आपका अपना द मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप, आपकी फैमिली हेल्दी, वेल्दी एंड सेफ है। आज हम उन बॉसेस के बारे में बात करेंगे जो अपने जूनियर्स को स्लेव समझते हैं, अपना गुलाम समझते हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इस वीडियो के एंड में एक अलग ही मजा आने वाला है एंड आई गारंटी दैट अगर मजा ना आए तो कमेंट बॉक्स में जो मन करे वो लिखना। एक छोटी सी स्टोरी के जरिए आपको समझाना चाहूँगा, जो बॉस होता है ना वो बिना संकोच के कुछ भी बोल सकता है और एम्प्लॉयज बिना संकोच के वो सुन भी लेता है। एक बार एक एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहा होता है, क्यों जा रहा होता है ये आपको वीडियो के एंड में मालूम पड़ेगा। एक बार एक एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहा होता है लेकिन वो सोचता है कि जाने के पहले क्यों ना अपने बॉस को कुछ सिखा के जाऊँ। हालांकि वो कोई टीचर नहीं है लेकिन उसने बोला अपने बॉस से कुछ सिखा के जाता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस को उसका एम्प्लॉय कुछ सिखाए? आइए जानते हैं। वो अपने बॉस के पास जाता है और बड़े प्यार से कहता है कि सर आप गलत नहीं हो, आप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई काबिलियत तो है, तभी तो कंपनी ने आपको रिकॉग्नाइज किया है और यहाँ तक इस कुर्सी तक पहुँचाया है। सर मेरी ही गलती है कि मैं आप में हमेशा लीडर ढूंढता रहा लेकिन आप हमेशा बॉस बने रहे। उसका बॉस कहता है अंतर क्या है, बॉस लीडर दोनों सेम ही तो होते हैं। सर डिफरेंस तो बहुत है, बॉस ऑलवेज सेज आई, लीडर ऑलवेज सेज वी। बॉस हमेशा अपनी बात करता है और लीडर हमेशा सबको साथ लेके चलने की बात करता है। बॉसेस हमेशा ऑर्डर देते हैं, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, लीडर हमेशा पूछता है क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अच्छा तेरा आइडिया बहुत अच्छा था, अच्छा इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अच्छा कैसे इम्प्लीमेंट करें, लीडर्स डिस्कस करता है। बॉसेस हमेशा एम्प्लॉयज़ की गलतियों पे उंगली उठाता है और लीडर एम्प्लॉयज़ की गलतियों को सुधारने के लिए आगे चल के ऐसी कोई गलती ना हो उसे ट्रेन करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। बॉसेस ऑलवेज से गो एंड लीडर ऑलवेज से लेट्स गो। बॉस हमेशा कहता है कि आज मुझे काम पूरा करके चाहिए किसी भी हालत में और लीडर हमेशा कहता है चलो मिल के ये काम पूरा करते हैं किसी भी हालत में। बॉसेस अपने ही आइडिया पे बिलीव करता है, आपके द्वारा दिए गए आइडिया को नकार देता है नो, लेकिन लीडर जो होता है ना वो आपके आइडिया को कंसीडर करता है, उस पर गहन अध्ययन करता है, उसमें कुछ गलतियां हैं तो उसको सुधारता है, आपको अप्रिशिएट करता है। बॉस हमेशा एम्प्लॉय को नीचा दिखाने की कोशिश करता है बट लीडर जो होता है वो हमेशा एम्प्लॉय को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है बिकॉज उसे पता होता है जितना ऊंचा एम्प्लॉय का कद होगा उतना ही अप्रिसिएशन उसका होगा, उतना ही ऊंचा वह जाएगा। बॉसेस ऑलवेज यूज पीपल, अब्यूज पीपल बट लीडर्स ऑलवेज ग्रूम पीपल, इम्प्रूव पीपल। मतलब कि बॉस हमेशा एम्प्लॉय को यूज करता है, अपना काम निकलवाता है और जो लीडर होता है ना वो एम्प्लॉय को संवारता है, उसके काम में अपना योगदान देता है ताकि दोनों मिल के आगे जाएं। बॉसेस आर द मास्टर द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन बट लीडर्स आर मास्टर द आर्ट ऑफ इंस्पिरेशन। बॉसेस जो होता है ना वो एम्प्लॉयज पे हमेशा चिल्लाता है ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया मुझसे क्यों नहीं पूछा, बट लीडर जो होता है ना वो हमेशा एम्प्लॉय से पूछता है आखिर ये करने की वजह क्या थी, आखिर रीज़न क्या था, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ ताकि इसको हम मिलके इम्प्रूव कर सकें। आखिर में एम्प्लॉय कहता है कि सर मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन आपने दुनिया में कभी भी ऐसे वर्ड सुने हैं, वर्ल्ड बॉसेस, कम्युनिटी बॉसेस, बिजनेस बॉसेस, रिलीजियस बॉसेस, नहीं ना, क्योंकि हमेशा वर्ल्ड लीडर, कम्युनिटी लीडर, बिजनेस लीडर, रिलीजियस लीडर, इंस्पिरेशनल लीडर, सब लीडर्स ही होते हैं क्योंकि लीडर्स सबको लेके चलता है और बॉस हमेशा अकेले ही आगे बढ़ता है। बाद में वो कहता है कि सर वी आर हियर फॉर फैंटास्टिक एंड सेंसेशनल नॉट फॉर ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। सर प्रॉफिट तभी आता है जब हम कमिटेड और फोकस रहें, तभी आरओआई आता है।
और मेरे टर्म्स में ROI का मतलब है रिटर्न ऑन इंटेंशन। अगर आपका इंटेंशन सही है, आप भी आगे जाएंगे, आपके लीडर्स भी आगे जाएंगे, आपकी कंपनी भी आगे जाएगी। लेकिन अगर आपका इंटेंशन गलत है तो आप तो डूबोगे ही, कंपनी को भी ले डूबोगे। सो डियर कॉर्पोरेट्स, ऑलवेज कीप इन माइंड, प्लीज हायर लीडर्स नॉट बॉसेस। और अंत में बॉस कहता है, तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले, तुम्हारी औकात क्या है, तुम इस कंपनी के बारे में क्या जानते हो। आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 20 years एंड यू आर माई एम्प्लॉय। तब वो कहता है कि सर आई एम नॉट योर एम्प्लॉय, मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूँ, यू आर माइन, आप मेरे एम्प्लॉय हो। आई एम द न्यू CEO ऑफ दिस कंपनी एंड बिफोर ज्वाइनिंग मैंने सोचा ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। तो डियर सर, कल की कॉफ़ी मैं आपके साथ पीना चाहता हूँ। अगर आप बिलीव करते हैं कि बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जिन्हें पहचाना नहीं गया है, जिन्हें मौका तक नहीं मिला है, तो मेरे इस वीडियो को उन तक पहुंचाने में मेरी मदद करें और इसे शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है। लेट्स फाइंड न्यू लीडर्स फॉर आवर नेशन, पर उसके पहले बी मोटिवेटेड। फिर मिलेंगे।